तो कैसे हैं आप लोग? बंद करो यार इसको, बंद करो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। इसे भी बंद करो यार। आज हम बहुत ही मेहनती, होनहार और कंटेंट क्रिएट करने वाले बंदे का सॉन्ग रिव्यू करने वाले हैं, तो इन चीजों की तो कोई औकात ही नहीं है उसके आगे। और उस कंटेंट क्रिएटर ने इन दोनों के ऊपर डिस ट्रैक बनाया है यार। रिव्यू तो करना मांगता है अपन को बॉस। मैं कहता हूँ यार, क्या तुम गाने में अरिका हक को आम ने जलील किया, या क्या इस बंदे की मदर सिस्टर एक ही जो इसने इर्तुगरुल के खिलाफ बातें की हैं, जो कि इसके ऊपर और इसको फीचर करने वाले इस आम ने माशाल्लाह जितना प्यार निछावर किया है। सो कहानी यह है कि ये आदमी नींद की गोलियां खाकर और ले के कहीं सोया हुआ था, ठीक है। टिकटॉक वैसे यूट्यूब वार आई हुई और तकरीबन ख़त्म भी होगी, फिर इसे किसी ने हिलाया कि भाई उठ, तेरा मुजरा भी बाकी है। तो इसने सोचा यार हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस भैंस की आँख वाले इंसान को याद आया कि हाँ यार, कुछ करें, कुछ करना पड़ेगा। तो भाई ने रैप बनाया और अपलोड कर दिया, जिसका यार इतना मसला होना भी नहीं था अगर ये यार क्या कहूँ मैं इसको, मुझे बता दो, तुम ही बता दो कि मैं क्या कहूँ इसको, इस बैंड के लसन को मैं क्या कहूँ यार। ये लड़का है, लड़की है, ये है क्या? आपसे यार हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना कि ये क्या चीज़ है। खैर आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास। अस्सलाम वालेकुम, क्रिएटोन स्टूडियो की तरफ से ताजा तरीन नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वसीम खुब्बा। सॉन्ग स्टार्ट हुआ नहीं और यार ये कैंसर पहले डाल दो, तुम कैंसर पहले फैला दो यहाँ पे। ये रैप नहीं बकवास है, तुझको यही लगेगा। भाई तूने ये जो लाइन बोली है ना, ये लास्ट पे रखता तो यार अच्छा था, क्योंकि अब जिसने भी ये गाना सुना है तो उसने बकवास समझ के सुनना है। खैर मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि न्यूट्रल रह के ये गाना सुनूं और न्यूट्रल रह के ही रिएक्ट करूं, फिकर नॉट। मालूम भी है कि तेरे मिलियन में व्यूज है फिर भी बच्चों का खाता है। कोई शर्म करेगा तेरी उल्टी पुल्टी सारी वीडियोस को मैं एल करूं, मैं तेरे जैसा नहीं हूं जो कि लाइक्स पे डिपेंड करूं। अबे क्या बोली जा रहा है कि मिलियन में तेरे व्यूज हैं, वीडियोस को एल करूं, और सबसे बड़ी लाइन और सबसे बड़ा झूठ जो तूने बोला है। मैं तेरे जैसा नहीं हूं जो कि लाइक्स पे डिपेंड करूं। ये लाइक्स का तो चक्कर है भाई, और सस्ती फेम का, जिस चीज के लिए तूने इस, यार मैं क्या कहूँ इसको यार, ये बार बार सामने आए थे, इसको कह भी कुछ नहीं सकता यार। खैर ये लाइक्स का चक्कर और सस्ती फेम का चक्कर है यार, तूने इसको अपने गाने में फीचर किया है। तू वैसे गाना बना लेता हमें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन क्या बजट कम था तेरे पास है? जो लड़का और लड़की दोनों को एक ही मॉडल तुझे मिला था। मैं दुनिया में जीता हूँ, खाता हूँ, पीता। अबे यार सारे यही काम करते हैं, तू वखरा ये काम करे, क्यों डॉन बनी जा रहे हैं? ऐवें उसको लेके आ रहा है अपने डिस ट्रैक के अंदर। मैं दुनिया में जीता हूँ, खाता हूँ, पीता। आई डोंट थिंक यू आर स्पेशल जो मैं तेरे जैसा ड्रेस करूं। हाँ तो भाई साहब कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक के यू आर स्पेशल जो मैं तेरे जैसे एड्रेस करूँ, लेकिन उनकी वीडियोस देख के अपनी जला के उनके ऊपर रैप लिख के डिस रैप बनाया भी है, लेकिन स्पेशल नहीं है तुम, क्योंकि मेरा तो ऐसे दिमाग ख़राब था जो तुम्हारी वीडियो सुन के हमें डिस रैप बना दिया। और जहाँ तक स्पेशल की बात है तो दुनिया को फ़र्क नज़र आ ही रहा है कि भाई स्पेशल कौन है। ये इस कैंसर का ट्रैक ये है, ए बी सी डी ई एफ आर द छोटे, सुन मेरी बात, काफी हुई चीत बात, बातचीत सॉरी हो गई मेरी लाइन खराब। हाँ इसे बातचीत करना अब याद है, उसकी लाइन अब जाके खराब हो रही है जब सारा मामला ही तकरीबन खत्म हो चुका है। देख तू हॉट टॉपिक नहीं है, इवन टॉपिक भी नहीं है। हाँ भैया तुम लोग हॉट टॉपिक तो क्या, टॉपिक भी नहीं हो, लेकिन इस भाई ने स्पेशल आपके लिए टाइम निकाला, डिस रैप बनाया आपके ऊपर और इस चीज को फीचर किया। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसके ऊपर कितने लाइक्स और व्यूज थे, आई थिंक के 15-20 मिलियन उसके ऊपर व्यूज थे, और वो जितने दिन रही है वो ट्रेंडिंग पे रही है, और इसकी वीडियो पे देख ले माशाल्लाह आप। गाने लिख थोड़े कर रेटिंग पे फोकस, ये बैरल ऑफ द रैप नहीं, बैरल ऑफ द ऐप है। हाँ ये बात तो इस लोंडे की बिल्कुल ठीक है, और मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँगा कि बैटल ऑफ द रैप नहीं है, बैटल ऑफ द ऐप है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, एक तरफ है कंटेंट तो दूसरी तरफ है कंटेंट, एक तरफ है मेहनती काम करने वाले लोग तो दूसरी तरफ है ये बीसी, ये ऐसी चीजें हैं। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। अबे यार प्लीज तू ना कह, प्लीज तू ना कह, तू चुप रह, सारा मूड ही खराब कर दिया इसके इस डायलॉग ने। भैंस के यही हाल होना था जब ऐसे लोगों के साथ काम करना था, इसके अंदर का भी वो टिकटॉकर जो छुपा हुआ था वो भी अब बाहर आएगा। आजा 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 आजा।
नहीं भाई प्लीज प्लीज, मुझे ऐसे शौक नहीं है, और अल्लाह बचाए भी, और अगर बुलाने का इतने शौक है ना, तो ऐसा कर घर के बाहर ना तेल गिरा दे, ठीक है, जो फिसल के गिरेगा उसे उठा के घर के अंदर, तब भी सुकून ना ना मिले, तो एक चक्कर जा जनूबी पंजाब का लगा के यार, ठीक है, लोंडेबाजी में माशाल्लाह बहुत मशहूर है भाई वहाँ के, ठीक है, तुझे बिल्कुल मायूस नहीं होने देंगे और तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहने की तो नौबत आएगी नहीं, सीधा ही नहीं बनाता क्योंकि तेरी स्माइल फेक है। अच्छा आज पता लग रहा है कि टिकटॉक बनाने वालों की स्माइल होती है रियल। जहां तक इसकी बात है ये हो तो डकी भाई भी कैंसर बनाता है, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो। इसी के साथ आपका मेजबान वसीम खुबानी आपसे इजाजत चाहता है। जा भाई जा, माफी दे, तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, तू वापस ना आई प्लीज, कसम ले लो यार, स्क्रिप्ट लिखने के लिए सॉन्ग सुनना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि एडिट के दौरान बहुत बार सॉन्ग सुनना पड़ा, अब आप भी सॉन्ग सुनेंगे, माफ़ी उसके लिए पहले ही, मेरे तो हर बार सर में दर्द हुई है, अब आप अपना बता दीजिएगा कमेंट में। होप्स हो कि यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और एम करते हैं कि इस वीडियो के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह 250 लाइक्स लाजमी आएंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।